ऋचा चड्ढा को भुगतना पड़ा मोदी के अंध विरोध का खामियाजा। मोदी विरोधी ऋचा चड्ढा ने कर दिया भारतीय सेना का अपमान। पत्रकारों ने जब लताड़ा तो माफी मांगने लगी ऋचा चड्ढा। सेना के अपमान वाला ट्वीट डिलीट कर देखिए क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वालों की कमी नहीं है। उनका विरोध तब से होता रहा है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त भी मोदी को विरोध झेलना पड़ा और आज जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तब भी विरोध झेल रहे हैं। लेकिन मोदी ने कभी इन विरोधियों की परवाह नहीं की। वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे क्योंकि विरोधियों का काम ही है मोदी विरोध करना। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब मोदी विरोध का भोंपा बजाने वाले विरोधियों की यही जमात भारत विरोध पर उतर जाती है। हद तो तब हो जाती है जब मोदी विरोध में विरोधियों की जमात भारत का मजाक उड़ाने लगती है, सेना का मजाक उड़ाने लगती है। और इस वक्त यही काम बॉलीवुड एक्टर अली फजल की पत्नी ऋचा चड्ढा कर रही है, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गालियों से भरी फिल्म में काम किया है और आज गलवान का जिक्र कर सेना का अपमान करने की कोशिश की, जिस पर देश के दिग्गज पत्रकारों ने उन्हें जबरदस्त लताड़ लगाई है। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को एक बयान दिया था कि अगर सरकार आदेश दे तो सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। The defense minister rightly spoke about that just short while back that the POJK, it's a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? The second part is about the security scenario in Kashmir. Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject, so therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which has been given by the Government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस हुंकार पर ऐसा कौन हिंदुस्तानी है जिसे गर्व नहीं होगा? ऐसा कौन हिंदुस्तानी है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके को भारत का हिस्सा होता नहीं देखना चाहता हो? हर हिंदुस्तानी सेना के इस बयान पर गर्व करेगा कि अगर सरकार आदेश दे तो हमारी सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को शायद ये बात रास नहीं आई और उन्होंने लिख दिया, गलवान हाय बोल रहा है। ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर लोगों का गुस्सा भड़क गया क्योंकि ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं ऋचा चड्ढा ने सेना का मजाक उड़ाने की कोशिश की। यही वजह है कि देश के पत्रकारों ने भी उन्हें जमकर लताड़ा। एक ट्वीट में वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, हर लेफ्टिस्ट को सेना से शिकायत है। हर लेफ्टिस्ट कश्मीर में 370 की वापसी चाहता है। हर लेफ्टिस्ट की थ्योरी में चीन विजेता है और भारत पराजित। लेफ्टिस्टों की जात की पहचान कितनी आसान हो चुकी है, ये ऋचा चड्ढा है और ये लेफ्टिस्टों का गैंग्स ऑफ वासेपुर है। एक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी लिखा, गलवान का जिक्र कर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है। फिल्म हिट कराने को लेकर ये लोग कितने नीचे तक गिर जाते हैं? आजकल इनका पाकिस्तान प्रेम काफी चल रहा है क्या? इस आरोप पर ऋचा चड्ढा को सफाई देनी चाहिए। पत्रकारों के अलावा पालघर में मारे गए साधुओं का केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने भी ऋचा चड्ढा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 20 भारतीय बहादुरों ने गलवान में भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन यहाँ एक उर्दू वुड अभिनेत्री भारतीय सेना का मजाक उड़ा रही है। ये दुखद ही नहीं शर्मनाक भी है। अ न्यू लो फ्रॉम ऋचा चड्ढा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो ऋचा चड्ढा को थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस बताते हुए इसे उनकी ओछी पब्लिसिटी स्टंट बताया और इनके खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की, जिसे दोबारा कोई सेना का मजाक ना उड़ा सके। ऋचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की थर्ड ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती है और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है,
ऐसी रिचा चड्डा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब उत्तरी भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में रिचा चड्डा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है, हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनी सेना का। और ऐसे में आप उनको उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस रिचा चड्डा के खिलाफ कार्रवाई करे, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करे ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समीप करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में द्वारा कोशिश ना कर सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने जब से गलवान की याद दिलाकर भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है, उनके खिलाफ कुछ इसी तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद आखिरकार खुद रिचा चड्ढा को अपने ट्वीट के लिए माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने गलवान वाला अपना ट्वीट डिलीट करने के बाद लोगों से माफी मांगते हुए लिखा, मेरा ये इरादा कभी नहीं हो सकता, फिर भी विवाद में घसीटे गए उन तीन शब्दों ने अगर किसी को दुख पहुंचाया हो तो मैं माफी मांगती हूँ और ये भी कहूंगी कि मेरे शब्दों ने अगर गैर इरादतन भी फौज में मेरे भाइयों के अंदर ये भावना पैदा की हो तो मुझे बहुत दुख होगा। वो फौज जिसमें मेरे अपने नाना जी ने अहम भूमिका निभाई थी, लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हुए उन्हें 1960 के भारत चीन युद्ध में अपने पैर पर गोली खाई। मेरे मामा जी एक पैरा ट्रूपर थे, ये मेरे खून में है। जब एक बेटा हम जैसे लोगों से मिलकर बने इस देश की सुरक्षा करते हुए शहीद या घायल भी होता है तो पूरे परिवार पर इसका असर पड़ता है और निजी तौर पर जानती हूँ कि ये कैसा महसूस होता है, ये मेरे लिए एक भावुक मसला है। रिचा चड्ढा को अपने एक ट्वीट के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी ये आप उनकी इस लंबी चौड़ी सफाई से समझ सकते हैं। उन्हें अपने नाना मामा तक याद आ गए, ये साबित करने के लिए कि वो भी एक सच्ची देशभक्त है और सेना के प्रति उनके दिल में भी सम्मान है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से पीओके हासिल करने की बात करने वाले आर्मी अफसर की बात पर तंज मारते हुए उन्हें गलवान सेज हाय लिख दिया, यानी गलवान याद करें। बहरहाल जिस तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने पहले तो सेना का अपमान किया और फिर माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट किया, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।